देश की राजधानी दिल्ली में काफी पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवार रहते हैं। अब इन परिवारों पर संकट बढ़ गया है। बता दें, डीडीए की ओर से सैकड़ों घरों को नोटिस दिया गया है कि एक या दो दिन में जमीन खाली कर दें, वरना उन पर आज बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। भाजपा खुद को हिंदूवादी पार्टी होने का दम भरती है, पर इसकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। भाजपा ने पड़ोसी देशों में पीड़ित हिंदुओं के लिए सीएए का कानून बनाया है, जिसके तहत उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता देने की बात कही गई। पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसे कई हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की गई है। ये हम नहीं बल्कि आप पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में गरीबों के घरों पर चल रहे बुलडोजर को लेकर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। आप नेता व दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जब से नए एलजी आए हैं, तब से दिल्ली में हजारों लोगों को बेघर किया जा चुका है। ताजा मामला मजनू के टीला पर झुग्गियां बनाकर रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों का है, जिनके घर तोड़ने का नोटिस डीडीए ने दिया है। बता दें कि गुरुवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारद्वाज ने कहा कि घर तोड़ने का काम एक साल से ज्यादा समय से चल रहा है। विधानसभा में भी इसे लेकर विधायकों ने जमकर हंगामा किया। ये काम भाजपा शासित केंद्र सरकार की एजेंसियां डीडीए, एलएनडीओ, रेलवे और एएसआई कर रहे हैं। इन एजेंसियों ने मिलकर लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। डीडीए की इसमें अहम भूमिका रही, जो सीधा उपराज्यपाल के अधीन है। उन्होंने कहा कि 13 साल पहले पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी अपने परिवारों के साथ मजनू के टीले के पास झुग्गियां बनाकर रहते थे। उन्हें डीडीए ने बुधवार को नोटिस दिया। उनसे कहा गया कि आप अपना सारा सामान लेकर जगह खाली कर दो, नहीं तो यहां 7 और 8 मार्च को कार्रवाई होगी। वहीं भारद्वाज ने अब कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सुंदर नर्सरी के पीछे जो नोटिफाइड क्लस्टर था, उसे तोड़ दिया। महारैली में भी तोड़फोड़ कराई गई है। कोर्ट में गलत जानकारी देकर नोटिफाइड झुग्गी क्लस्टर को तोड़ दिया गया। आर के पुरम सेक्टर 12 में भी तोड़फोड़ का नोटिस दिया गया है। तो कुल मिलाकर आप नेता ने कई आरोप यहां पर लगाए हैं। अब इसका खंडन कैसे और क्या कुछ आगे अब किया जाता है, ये वक्त बताएगा, या फिर ये कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी।